हेलो नमस्कार, मैं DPR आपका इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं डिसेबिलिटी पेंशन पर, और एक अफसोस जाहिर करना चाहते हैं कि यहाँ पर जवान के साथ कितना भेदभाव धोखाधड़ी होती है। देखिए, इस वीडियो का संबंध यहाँ पर मैं किसी को, कोई मेरी वीडियो आती है, मैं कभी किसी को यहाँ पर उत्तेजना या भड़काऊ भाषण या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं देता जिससे कि यहाँ से विवाद बढ़े। मैं विवादों से अलग रहना चाहता हूँ, और जो कुछ यहाँ पर परमेश्वर देता है उसमें स्वीकार करने के लिए राज़ी रहता हूँ। लेकिन फिर भी फ्रेंड्स, अफसोस होता है कि यहाँ पर अब अकेला अगर एक सिपाही है उसके साथ कुछ भेदभाव हो रहा है, तो ठीक है, वो तो वहाँ समूह पूरा ग्रुप है सिपाही का, JCOs का, ORs का, उन सब के साथ ही भेदभाव किया जा रहा है। वो सब मिलके अगर आवाज़ उठाएंगे तो हो सकता है कुछ यहाँ पर समस्या का समाधान बने। तो ये वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। आप लाइक करोगे तो दूसरों के पास ये YouTube यहाँ पर वीडियो को पहुँचाता है, तो इसलिए ये वीडियो जानी चाहिए, सबकी आँख खुलनी चाहिए। तो आँख खुलने के लिए हमें वीडियो को शेयर भी कर देना है कभी कभी। मित्रों, यहाँ पर देखिए, अगर एक ऑफिसर है उनकी अगर टांग कट जाती है, और एक यहाँ पर अदर रैंक का जो पर्सन है उनकी अगर टांग कट जाती है, तो यहाँ पर उन दोनों में क्या अंतर आता है और कितना अंतर आता है, क्यों आता है, इस पर बात करने वाले हैं। तो मित्रों, यहाँ पर जैसा कि आप लोग जानते हो कि जो ऑफिसर है उनकी जो पेमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, बजाय यहाँ पर सैनिक की या JCO वार्स के बराबर। तो मित्रों, यहाँ पर उनका सरकार ने ये यहाँ पर दिया है, उसका एवज में उसका जवाब दिया है कि उनका पेमेंट ज़्यादा होता है, उनका रैंक ज़्यादा होता है, तो इसलिए हम उनको बेनिफिट ज़्यादा देते हैं। चलो ठीक है, मान लिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर दूना हो सकता है, मतलब दूने का मतलब जैसे कि मान लीजिए अगर जो अदर रैंक है उनका इंक्रीजमेंट हुआ है 100%, तो आप लोग ऑफिसर का 200% कर दो। अगर अदर रैंक का हुआ है 200% तो उनका 400 कर दो, 400 हुआ तो 800 कर दो। चलो ये तो मानने योग्य बातें हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोग क्या देख पा रहे हैं कि 6th CPC में 5,880 रुपये मिल रहे हैं, 2023 में उनको 67,320 रुपये मिल रहे हैं। इंक्रीजमेंट हुआ है भैया 1175% का, 1175% बता रहा हूँ। अभी यहाँ पर अदर रैंक में 3,510 रुपये, 9,000 रुपये हुए हैं। अभी यहाँ पर जो इंक्रीजमेंट हुआ है वो आपका 156% का हुआ है। तो अब मित्रों, यहाँ पर ये तो बहुत बड़ा 156, चलो 156 कहाँ रहा और कहाँ 1175 रहा, तो ये तो कोई तारतम्य बैठ नहीं रहा है। अब महाबात आती है अगर मान लीजिए ऑफिसर्स के हित में, तो आप ओवर राउंडिंग करके भी वहाँ पर जो ऑफिसर्स हैं उनको घुमा फिरा के भी अगर बेनिफिट देना है तो दे देते हो। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सीधा भेदभाव, जानबूझकर यहाँ पर जो टेबल पेमेंट बनाए जाते हैं वो सरकार बना रही है। तो क्या बनाएगी सरकार, तो खैर क्या बनाएगी, लेकिन वहाँ पर जो डिफेंस है और उसमें ऑफिसर्स हैं वो सारा ये खेल चलाते हैं अपना गणित, और वो अपनी मर्जी से सारा कुछ, यहाँ डिसेबिलिटी लेना जितना लो, और डॉक्टरों से मिलके आपको कुछ भी, जैसे मान लीजिए 4 साल बची हैं, 2 साल बची हैं, तो उनकी सेटिंग करके आप लोग डिसेबिलिटी पेंशन चले जाओ। अब वो पेंशन मिल ही रही है उनको, सिंपल पेंशन, उसके बाद डिसेबिलिटी पेंशन भी मिल गई, तो यहाँ पर पेंशन और ज़्यादा हो गई। तो मित्रों, यहाँ पर ये ऐसे खेल चलते रहते हैं। अभी देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर देखो मनीष तिवारी जी हैं, तो उन्होंने लोकसभा में ये यहाँ पर 0 आवर में एक क्वेश्चन किया कि आप बताइए कि यहाँ पर जो शॉर्ट सर्विस कमीशन है या फिर इमरजेंसी कमीशन है, कमीशन ऑफिसर हैं, और जो भूमेल स्पेशल ऑफिसर्स हैं, क्या वो यहाँ पर परमानेंट कमीशन ऑफिसर के तरह लाभ पाएंगे ORP में? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए कितना स्पष्ट उत्तर दे दिया। देखिए, उन्होंने कह दिया भैया, उन्होंने अगर 12 साल की क्वालिफाइंग सर्विस करी है तो खूब मिलेगा लाभ। और इसके बाद में यहाँ पर देखिए, इनवैलिड सर्विस है या, तो उसके लिए आपका कोई ऐसा कोई पैरा नहीं है कि आप 12 साल ही करके जाएंगे जॉब, फिर भी आपको मिलेगा। और यहाँ पर मतलब जो ऑफिसर है, जिसके नाम के आगे ऑफिसर लग गया है, तो उसको तो फ़ायदा होना ही होना है, अगर रैंक वाइज वो ऑफिसर बना है
ऐसी नहीं कि भैसी राष्ट्रपति जी द्वारा यहाँ पर ऑफिसर बना दिया तो उसको तो एक काम और बढ़ा दिया, अगले भाई साइन कर तू, जो हम साइन करने के लिए हम पर टाइम नहीं है, तू साइन और करता रहे। तो मित्रों यहाँ पर ये इनके इन प्रकार ऑफिसर को खुश करने के लिए यहाँ पर अंग्रेज़ों को जमाने से ही यहाँ पर रूल ही यही बनाया कि ऑफिसर खुश रहें और आपका जो जेसीएस एंड जवान से हैं वो चाहे दुखी रहें, मरें, कटने पिटें, चाहे उनके बच्चे पढ़ें लिखें ना, कुछ भी ना हो, ऑफिसर्स के यहाँ पर बच्चे बीवी सब हाई फाई और बहुत बड़ी बड़ी सुविधा सबको मिलनी चाहिए। अच्छे अच्छे हॉस्पिटल मिलने चाहिए, बढ़िया बढ़िया बेडरूम मिलने चाहिए, बढ़िया बढ़िया गाड़ियाँ मिलनी चाहिए, बढ़िया बढ़िया कोर्स मिलने चाहिए, विदेशों में पढ़ने चाहिए। जवान क्या है, जवान तो एक नौकर है और वो तो सेवा करने के लिए होता है और मरने के लिए होता है, उसको और कुछ उसकी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सभी लोग अपनी आवाज़ बुलंद करें और 30 मई को सभी लोग संगठित रहें और यहाँ पर जो तहसील में जाकर ज्ञापन ज़रूर सौंपें। और जो आपका हमारा जो यहाँ पर जो पोस्टकार्ड का चल रहा है सिलसिला उसको जारी रखें, क्योंकि अपना कर्म हमें हमेशा करते रहना चाहिए, फल की इच्छा हमें कभी नहीं करनी चाहिए। फल तो मिलेगा ही अगर हम कर्म करेंगे तो। अब हम कर्म करने से पहले ही फल के बारे में सोचते रहेंगे तो फिर हम कर्म नहीं कर पाएंगे, केवल फल के बारे में सोचते रहेंगे, टाइम ख़राब हो जाएगा। तो हमें ये नहीं सोचना है कि इसका इम्पेक्ट क्या पड़ेगा, हम जो हम यहाँ पर जो पोस्ट कार्ड भेज रहे हैं या फिर उससे फ़ायदा होगा या नहीं होगा, लाभ किसको होगा, ये किसी को हो, वो एक ग्रुप है, एक कम्युनिटी है, यहाँ पर सबको ही लाभ होगा और सभी इस काम में संलग्न रहें, जारी रहें। मित्रों ऐसे ही कुछ टॉपिक लेके आपके समक्ष फिर आता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम, वंदे मातरम।